वहीं गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग से निर्माण सामग्री केदारनाथ पहुंचने लगी है, जिससे यहां पुनर्निर्माण कार्य भी तेजी से होने लगे हैं। अब धाम में 240 मजदूर और कर्मचारी निर्माण कार्यों में जुटे हैं। संगम स्थित घाट, सरस्वती नदी पर पुल, यात्रा कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, BKTC भवन, अस्पताल भवन, हक हकूकधारियों के लिए आवासीय निर्माण का काम जोरों पर चल रहा है, जिन्हें इस सीजन में पूरा करने का लक्ष्य है। 31 जुलाई को अतिवृष्टि के बाद से केदारनाथ तक घोड़ा खच्चरों के साथ ही पैदल आवाजाही मुश्किल हो गई थी। अब घोड़ा खच्चरों से निर्माण सामग्री केदारनाथ पहुंचने लगी है, जिससे कार्यों में तेजी आने लगी है। और पूरा रूट का इंस्पेक्शन किया था, मैंने भी किया था, हमारी टीम ने भी किया था। हम लोग ने आइडेंटिफाई किया था उस टाइम पे जो NH वाला पोर्शन था, उसमें जो जिस पे बाई रोड चलते थे हम लोग पहले, उसमें 3 ब्रीच हुए थे और सड़क 4 जगह पे धस गई थी, या वॉशआउट जिसको आप कहते हैं, आधा करीब धस गया था। उस पर हम लोगों ने काम चालू कर दिया था इमिडिएटली। और 150 मीटर का एक बड़ा वॉशआउट था, उसको थोड़ा सा हमें 4 दिन लगे उस टाइम पे, हम लोगों ने 3 मशीनें वहां पे लगाई थी, तो उसको 4 दिन में हमने पैदल जाने के लिए चालू कर दिया था। लेकिन क्योंकि बारिश लगातार हो रही थी और उसमें पत्थर बीच बीच में आ रहे थे, तो सुरक्षा की दृष्टि से हमने एक और प्लान किया। हमने नीचे सोनप्रयाग में एक नीचे उतर के नदी के पास तक पैदल रास्ता बनाया, उसके बाद वहां पे एक पुल लगाया, नदी के दूसरी तरफ गए, दूसरी तरफ से पैदल रास्ता बनाया गया और वापस पुल से इस तरफ लाने का हमने इंतजाम किया उसमें। उसके अलावा जो दूसरे जो जो छोटे ब्रीचेस थे 50 मीटर और 30 मीटर के, उसको भी हम लोगों ने वर्कआउट करके वहां बैक कटिंग करके हमने चालू कर लिया था। केदारनाथ धाम का जो पैदल रास्ता है वो हम लोगों ने एक हफ्ते के अंदर चालू किया था, जैसा कि हम लोगों ने कमिट किया था। सरकार ने ये कहा था कि एक हफ्ते के अंदर चालू करेंगे, तो हम लोगों ने एक हफ्ते के अंदर उसको चालू किया। लेकिन निश्चित रूप से क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, तो बीच बीच में वो बंद भी हो जा रहा था। तो हमारी 300 लेबर उस पर पूरे रूट पे, जो गौरीकुंड से लेके केदारनाथ धाम के बीच में रास्ता है, उस पर पूरी लगी हुई थी। 3 मेजर डैमेजेस थे, भीमबली के पास, एक लिंचोली के पास, एक और उसके ऊपर।